बल्ला तो फाइनली यहाँ पर पहुँच गए हैं और अब हमारे को आज इनका काम है, ग्लास इनका सारा आ गया, टफन ग्लास है। और आज हमें काम है नीचे जो रेडीमेड लगाई थी उसको करना, बिल्कुल पॉलिश करेंगे पहले। तो पॉलिश करने के बाद कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम लेके आएंगे ग्लास और फिर चढ़ा देंगे इसमें ग्लास, जैसे जैसे थोड़ी हुई बेल्डिंग के साथ, ये वाली बेल्डिंग की हुई है, उसको बेल्डिंग पॉलिशिंग करके उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करके चढ़ाएंगे इसमें ग्लास। ये अभी अपनी गर्म गर्म चाय, तो जैसा देख पा रहे हो कि ये वाली जहाँ पर हमने पहले की थी बेल्डिंग इस कॉर्नर पर, और अब इसको बाइक बढ़िया से साफ करके बिल्कुल स्मूथ कर दिया गया। अब यहाँ पर अभी गर्म है जो बिल्कुल, और बाद में इसकी की जाएगी बढ़िया से क्लीनिंग और हो जाएगी बढ़िया से इसकी पॉलिश। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले इसके ऊपर कैसे की गई थी बेल्डिंग, और बेल्डिंग के बाद इसको बढ़िया से फाइल करके अब इसके ऊपर जो लगा दिया गया पेस्ट, और फाइनल ये इस तरह से बिल्कुल इसको क्लीन कर दिया गया, स्टील को बिल्कुल जॉइंटलेस कर दिया गया। अब जो देखने में बड़ी लग रहा है, तो चलते हैं खाना खाने घर पर। ये मिस्त्री मैंने बहुत दिन हथौड़ी के लिए फाइनली बना दिया उन्होंने भाई हथौड़ी के लिए। तो फाइनली घर पे पहुंच गए और अभी टाइम हो गया लगभग 2 बज गए, लेकिन घर पे कोई दोनों पालमपुर गए हुए हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि अपना खाना खुद ही गर्म करते हैं और खाते हैं। सलाद खड़ कर दिए बीच में ठंडा होने के लिए, और तब तक सब्जी रखते हैं गर्म और फिर खाते हैं खाना, तो ये ठीक रहेगा। बाकी मिल जाएगा 3 बजे, तो उसको भी करना पड़ेगा पिक। अब देखते हैं कैसे क्या बनता है, कि उसको पिक करेंगे, उसको रखेंगे कहाँ पर, क्या करते हैं देखते हैं आगे यार। तो अभी टाइम हो गया 2 बज गए पूरे, तो ऐसा करते हैं सब्जी कर लेते हैं गर्म। और सब्जी बनी हुई है भैया, दाल बनी हुई है चने की घिया डालकर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चने वाली चने की दाल घी वाली ऐसे बनी कुछ सब्जी। तो फाइनली पहुंच गए खाना खाकर, और बाकी भाई अभी पहुंच गए हम, तो लगभग 3:30 हो गए टाइम अभी। और बाकी हमारा जो काम चला हुआ है, एक तो नीचे वाली जो रेलिंग है उसको करना सारा ग्राइंडिंग और पॉलिश साथ में, और साथ में चलिए बेल्डिंग का काम भी, फिर वहां से कंप्लीट करके यहाँ तक आएंगे। और यहाँ पर हमने पहले एक बेल्डिंग की वो जॉइंट ये वाला इस तरह से, तो इस तरह से सारी बेल्डिंग की जाएगी और फिर इसके बाद पॉलिश किया जाएगा। अब ये वाली इस तरफ के जो जॉइंट सारे भी बेल्डिंग करने को बचे हुए हैं ये वाले, तो यहाँ पर बेल्डिंग करके उसके बाद इसको किया जाएगा पॉलिश। तो आपको बताता हूँ आगे, यहाँ पर हमने पहले बेल्डिंग की थी और फिर ऊपर कर दी है फाइल, तो आपको बताता हूँ देखने में कैसी लग रही है। तो जो जैसे ये वाला जॉइंट आप देख रहे हो, उसमें पहले बेल्डिंग की गई थी और फिर इसको बराबर करके ग्राइंडिंग के साथ स्मूथ कर दिया गया, और इसके बाद हमारा फाइनल टच होगा ये वाला इस तरह से साबुन लगाकर, और फिर इसके बाद हमारा लास्ट बचेगा किसको साफ करने का काम। तो फाइनल सारा इसमें पॉलिश लगा दिया गया इसमें सारे क्लीनिंग के बाद, जो ब्लस्टर और जो कॉर्नर जहाँ तक कंप्लीट सारी, तो उस तरफ की तुम्हारी सारी रेलिंग होगी कंप्लीट, लेकिन अब बची हमारी ये इस तरफ वाली रेलिंग सारी, तो इसको करना अब सारा पॉलिश और ग्राइंडिंग का काम बचा हुआ है। फाइनली पहुंच गए घर पर और आज जल्दी गए थे काम से, और बाकी ना दो क्या वो फ्री है, दांत टूट गया हैं, दांत टूट गया, ये तोड़ दांत तोड़ दी कहां पर, यार इसको ऐसे ही काम होता है बस, दांत 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 दांत। चल ले कुलेंटर में ऊपर में किसी चीज में डाल के, गोहे में किस में बोलते हैं, उसमें रूई में, रूई में डाल के, हां गोहे में नहीं रूई में डाल के, एंड कुलेंटर के ऊपर रूई ले ले, दांत से ले ले जल्दी आ रही है, तो सकते गर्म गर्म चाय पीते हैं और फिर चलते हैं भाई बाहर। चाय तो बन गई, बाकी मौसम बहुत खराब हो गया थोड़ा, और चाय पीते हैं और फिर चलते हैं अरला में।
कि अपने चने बल्ला फाइनली आज एक मेरा अमेजोन से पास लिया हुआ था वो पड़ा हुआ है दुकान में सब्जी वाली दुकान में, तो वहाँ से जाकर लेते हैं, वहाँ से उठा के लेकर आते हैं। तो बाप को बताता हूँ उसके करते हैं अनबॉक्सिंग कि उसने मंगवाया क्या था। चलो फिर तो लो भाई पहुँच गया हमारा पार्सल, तो उसको करते हैं अनबॉक्सिंग अंदर चल के। तो फाइनली जाकर अपना पार्सल, अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। करते हैं अनबॉक्सिंग, तो ये क्या था, ये है मेन लेंस कार्ट की तरफ से है ये वाला, और ये वाली है एंटी क्लेयर गॉगल है ये वाली। और बाकी इसका जो लिंक होगा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हो। इसका रेट प्राइस सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, जो साफ करने के लिए कपड़े हो तो चलिए बीच में, और तो साथ में कुछ स्टिकर होंगे इनके, वो हमारे काम के कैसे बनी है। वन ईयर वारंटी लेंस कार्ड, और भाई केस जो इसका बहुत ही बढ़िया केस है, एकदम यूनिक सा है, बढ़िया लेंस कार्ड ब्लू। अब करते हैं इसकी बस को खोलते हैं इसको, तो ये आ गया भाई, ये आ गई एंटी क्लियर। बाकी इसका जो केस है बाइक काफ़ी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी में है, अंदर से बढ़िया है, और ये है लेंस कार्ट ब्लू। और बाकी एक बार इसको चेक करते हैं डालकर, और उसकी फ्रेम काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, फ्रेम की बढ़िया है, देखने में तो बढ़िया है, अर्क तो है भाई बढ़िया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो देखने में तो बढ़िया भाई प्रीमियम क्वालिटी में लग रहा है, बाकी स्क्रीन में अब थोड़ा फर्क तो लग रहा है मेरे को, बाकी अब इसको यूज़ करेंगे और फिर तो लगेगा इसका पता लगेगा कि ये कितना फ़ायदेमंद है। बाकी इसका जो लिंक वगैरह होगा डिस्क्रिप्शन में इसका सारा लिंक मिल जाएगा लेंस कार्ट। बाकी चलो इसका अब अनबॉक्स कर दी है, बाकी अब इसको यूज़ करते हैं फिर लगेगा पता। तो ये आगे अपनी भाई गर्मा गर्म चाय 10:22, और बाकी गर्म गर्म चाय पीते हैं, जैसे कि हाथ में लगती है रात को, फिर रात को सोने से पहले चाय। और बाकी ऐसा करते हैं कि अब जैसे कि एंट्री लगा देख रहे हो, तो भाई काफ़ी टाइम से इसको लगभग 1.5 घंटे से यूज़ कर रहा हूँ, आंखों को तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ रहा है, बाकी बढ़िया लग रहा है। बाकी ज़्यादा तक अपनी वीडियो देख लो तो बिल्कुल लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और ऑप्शन देख कर ले कोई नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।